गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी आरती। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। कल का डे बहुत ज़्यादा अच्छा। कल हमारे घर, आपने देखा होगा घर वाला वीडियो, तो हमारे घर पे गेस्ट आए हुए थे होली मिलने के लिए। पापा के जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो आए थे और ले लिया शार, एंड ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। और बुआ, मैं और कुकन अंकल जाने वाले हैं अभी बुआ के रिलेटिव के पास, मतलब देवरानी है बुआ की, हाँ बुआ की देवरानी के घर होली मिलने के लिए रेडी होने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। व्लॉग भी मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, डेली व्लॉगिंग करना, और आप लोगों को भी शायद देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो चलो मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस, मैं पहनने वाली हूँ ये वाला सूट, तो ये पहनूंगी मैं। ये मैं होगी रेडी, तो ये मैंने पहना है कुछ ये आउटफिट, और ये इसका लिंक भी मैं दे दूंगी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। चलो जल्दी से दिखा देती हूँ अपना आउटफिट आपको। नीचे और जाते हैं होली मिलने के लिए। हम लोग पहुंचने वाले और ई रिक्शे में बैठ के आए हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो बुआ इधर आओ, और ये रहे बुआ, और कुकन अंकल पीछे आ रहे हैं। तो बस गली में घुसे हम लोग, तो चलो आगे दिखाती हूँ मैं आपको। गाइस, नाश्ता करने के बाद हम लोग गप्पे मारने लग गए थे सबके सब, और मुझे मालूम चला यहाँ आके नई चीज़, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस, जो आप ये देख रहे रूम, ये 200 साल पुराना घर है चाची जी लोगों का। तो चलो मैं दिखाती हूँ, और इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर चाचा जी से ही पूछ लेते हैं ना। तो चलो बताती हूँ उसकी क्या हिस्ट्री है। तो गाइस, हम लोग चाची जी लोग के घर पर आए थे, जो बुआ के देवरानी और जिठानी जी है ना, तो इनके घर पे हम आए हुए थे। और नाश्ता वगैरह हमारा सारा हो गया, बहुत ज़्यादा खा लिया, अब तो लंच की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलो मैं आपको मिलाती हूँ। और ये आप जो रूम देख रहे हैं, तो ये आपको बहुत एंटिक एंड यूनिक दिख रहा होगा, तो थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ मैं आपको इस रूम के बारे में। ये बताएंगे चाचा जी, जिन्होंने इसको रेनोवेट करवा रखा है, तो चाचा जी बताएंगे। तो चलो पूछते हैं इनसे हिस्ट्री। चाचा जी, इतना ब्यूटीफुल रूम डेकोर किया है आपने, एंटिक। ये 200 साल पुराना रूम है, पूरा घर ही 200 साल पुराना है, तो इसको थोड़ा सा रिनोवेट करके थोड़ा सा सुंदर कर दिया है, लाइट साइड से लगा के, जिससे कि वो इफेक्ट आ जाए वैसा। बट ये ओरिजिनल एंटीक है। हाँ जी। ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, ये वाला पास लेके दिखाइए आपको। ये इतने छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ककैया ईंट, इसको ककैया ईंट बोलते हैं यहाँ पे। तो ये मुगल काल से चल रही है ईटे, जो तो ये समझिए अब तक ये प्रिजर्व करके रखा है इसको। बहुत ना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ना, ऐसे तो पता नहीं कैमरे में आप लोगों को दिख लगती है इसमें। हाँ। बहुत लेबर लगती है बनाने में इसको, ऐसे क्लियरिटी पता नहीं आपको दिखेगी नहीं दिखेगी, बट सामने से इतना ज्यादा ऐसा लग रहा है, मतलब पुराने जो घर होते थे बहुत राजा महाराजाओं के, इस टाइप के कार है इसका पूरा वॉल का। और डेकोर भी बहुत ज्यादा अच्छा किया है, मतलब पूरा वुडन वर्क है ऊपर भी, और ये लाइटिंग वगैरह बहुत ही ज्यादा पुरानी है, ये वाली की है। कितने 200 साल पुराना है ना। हाँ माय गॉड, अब तो देखने को भी नहीं मिलेगा ये, अब आपको इधर आना पड़ेगा अगर आपको देखने आई ऐसा घर। और ये फैन भी बहुत प्यारा लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा किया, गोल्डन एकदम। और ये सब पेंट वगैरह, हाँ, और ये डोर पुराने टाइम के डोर वगैरह रखे हैं, बहुत ही ज्यादा प्रीटी है। और बस यहाँ पे हमने चाय नाश्ता किया, तो अब हम सोच रहे हैं कि अब घर चले जाएं, बहुत देर से आए हुए, गप्पे शप्पे मार लिए हमने। वो बुआ को तो जानते हैं, कुकन अंकल को भी जानते हैं अब तो सब। मैं चाची जी, हाँ मैं ये चाची जी है। ये चाची जी और इनके चाचा जी, तो इनका घर है, और ये है बहुत ही प्यारा रूम। और गाइस, मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से रूम का टूर देती हूँ। और यार, इस रूम में इतनी अच्छी वाइब आ रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, और एक एक कॉर्नर बहुत ही प्यार से और बहुत ही मन से एंड अपने हाथों से खुद डिजाइनिंग की थी तो चाचा जी एंड चाची जी ने। तो रूम का लुक गाइस पूरा तो ट्रेडिशनल भी आ रहा था, उसके साथ ऑथेंटिक आ रहा था, तो मतलब बहुत ही अच्छा रूम लगा मुझे। और आप बताना आपको कैसा रूम लगा। गाइस, ये जो आपको सोफा दिख रहा है, ये कम से कम 80 साल पुराना सोफा है, कैन यू बिलीव। और मुझे भी नहीं बिलीव हुआ, बट ये बात ट्रू है गाइस, एकदम 80 साल पुराना सोफा है।
आपको डाइनिंग टेबल लग रहा है गाइस, ये पूरा प्योर नीम की लकड़ियों से बना हुआ है और आपको पता ही है नीम की लकड़ी कितना ज़्यादा फायदेमंद होती है। अब एक तो कीड़ा नहीं लगता, एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इतनी अच्छी एंड प्योर चीज़ है यार, मतलब मज़ा आ गया देख के। तो देखो कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग एंड फिनिशिंग दी हुई है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी घर और बहुत अच्छा लगा चाचा जी लोग के घर पे, मैं फर्स्ट टाइम आई और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल करवाया और बहुत सारी एंटिक एंड यूनिक चीज़ें भी देखी, तो बड़ा मज़ा आया। पुरानी वाली जो पुराने जमाने में हुआ करती थी चीज़ें घर, तो बड़ा मज़ा आया वो देख के। और आने वाले हैं बाय बाय क्योंकि अभी दूसरी जगह भी जाना है बुआ को, तो मुझे बुआ के साथ जाना है। तो अब हम चलते हैं गाइस दूसरी जगह, तो वहाँ पर भी मैं आपको लेके चलूँगी। एंड चाचा जी और चाचा जी को बाय बोल देते हैं, बाय बोलने का टाइम आ गया और हम फिर मिलेंगे। मैंने इन्वाइट किया चाचा जी एंड चाचा जी को, मैं इनवाइट किया, बच्चों को भी किया, अभी इन्होंने हाँ बोला है। देखो हाँ डेफिनेटली हाँ बोला है, अब मैं इंतजार करूंगी और प्रूफ भी है मेरे पास, तो नहीं आएगी तो देखना चाची जी भी ड्यूटी होगी, प्रूफ भी आप नेक्स्ट वीडियो में दे देना। हाँ वो भी मैं पापा बनाऊंगी, तो आप इंतजार रहे हमारे घर पे। तो चलो बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। चलो गाइस नाइस मीटिंग यू, सेम हियर। अभी हम आगे विशाल सॉरी वी मार्ट में, बुआ में कुकन अंकल, तो कुकन अंकल की तो शॉपिंग हो गई दो तीन, एक तो अपने जबरदस्त एक तो आया है, बहुत अच्छी लग रही थी और नया खुला है तो हम देख रहे हैं क्या क्या रखा है, बट बहुत अच्छा आ रखा है यार यहाँ मेरा, क्वालिटी वाइज कपड़ों का बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अभी मैं गर्ल्स वाले सेक्शन में आई हूँ, तो चलो देखते हैं क्या क्या आ रखा है। और बुआ तो स्टार्ट हो गई है, देखो बुआ के देख 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 अच्छा लग रहा है। पहुंच गए घर और शॉपिंग करी है मैंने, 3 बज गए यार, इतनी जल्दी 3 बज गए। और आज हमें किट्टी में भी जाना है, तो किट्टी की भी तैयारी करनी है। तैयारी क्या करनी है, हमारे घर पे नहीं है, कहीं और जा रहे हैं, रामनगर मतलब यहाँ पे हमारे घर से थोड़ा दूर है। और क्या क्या शॉपिंग करी तो दिखाती हूँ गाइस आपको। और ये लिए मैंने 2 पजामे लिए, सिर्फ 2 पजामे लिए, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कॉटन में है और 259 के पड़े मुझे आई थिंक ये। अब प्राइस देख लेती हूँ, 299 का पड़ा ये नीचे सिंगल पीस। और एक मैंने टॉप खरीदा, तो टॉप भी दिखाती हूँ मैं आपको, ये मेरा टॉप है ट्वीटी कह रही हूँ, मेरा टॉप। और ये 149 का खरीदा मैंने, तो मुझे अच्छा लगा, लूज था मेरे को, ढीली ढाले टॉप अच्छा लगता है, ये एक्चुअली मैंने लिया। तो चलो अभी खाते हैं खाना, अपना घूम घूम के भूख लगी पेट में, तो चलो दिखाती हूँ क्या खा रहे हैं। लंच हो गया, 3:15 हो चुके हैं, अभी मैं आगे रूम पे थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, फिर 4 बजे चाय वगैरह हम पियेंगे। देन गाइस तो हमें किट्टी में भी जाना है, तो 5:30 बजे आई थिंक हम लोग निकलेंगे। और बस यही पहन के जाऊंगी, तो चेंज नहीं करूंगी मैं अब, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है चेंज करने का, फिर यही पहन के मैं जाने वाली हूँ किट्टी में। और यार जो मैंने ख़रीदा है वो मैं आपको पहन के ज़रूर दिखाऊंगी, और आई थिंक 299 में मैंने ख़रीदे, मुझे अच्छे लगे कॉटन में, पर लेट्स सी कैसा है क्वालिटी, तो अभी अच्छा ही लग रहा है फिलहाल। और चलो मैं बताऊंगी कैसा है वो, मिलती हूँ गाइस आपको थोड़े टाइम बाद, सो या बाय। गाइस मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा आपको, तो ये मैंने पहना है टी शर्ट जो मैंने दिखाया था आपको, और नीचे ये पजामा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको, एकदम कंफर्टेबल हो रहा है, मैंने सोचा चेंज नहीं करूँगी बट नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा यार चेंज कर लेती जल्दी से। और अभी बच गए चाय हमने पी ली गाइस, और टाइम हो गया 5:30 हो चुके हैं, तो चलो जल्दी से रेडी जाते हैं और फिर जाते हैं हम लोग किट्टी में, तो जल्दी से मैं चेंज करती हूँ एंड फिर मिलती हूँ आपको, तो लेट्स गो। गाइस हम लोग निकल रहे हैं किट्टी के लिए, बुआ और मैं तो रेडी हो गए, पापा तो पार्किंग में गए हैं और हम चाची आंटी का वेट कर रहे हैं, 5:30 हो चुके हैं और 6 बजे से किट्टी वैसे है अभी टाइम फिलहाल, चाची आंटी आ जाएंगे फिर हम जाएंगे। एंड गाइस हम लोग पहुंच गए जहाँ पे किट्टी थी, यहाँ पे एक गेम खेलने के बाद स्नैक्स स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ पे कॉफ़ी चाय पकौड़े नमकीन वगैरह जो रहता है वो था, और सब लोग आ गए। और ये घर में ही होती है किट्टी, मतलब 30 सालों से चल रही है आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और फिर ये था डिनर हमारा, तो डिनर में काफ़ी चीज़ें थी एंड काफ़ी टेस्टी था। सो या गाइस डिनर के बाद हम घर जाएंगे और अपना व्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा गाइस सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, टिल डेट बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस, बाय बाय, सी यू सून।